كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात वहदहू ला शरीक का शुक्र और उसकी बेहद हमद व सना जिसने हमें ये तौफीक नसीब फरमाई। कुरान मजीद सुनाया गया और सुना गया, फिर हाफिज़ अनीक ख़ान साहिब और उनके वालिदैन और उनके ख़ानदान के लोग सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिस ख़ानदान और घराने में ये नेमत नसीब फरमाई। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी कामयाबी के लिए नाजिल किया। ये दस्तूर हयात है, ज़ाबत हयात है कि हम इस कुरान मजीद के मुताबिक दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जो आदमी कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक़ कायम कर लेता है, कुरान मजीद को पढ़ लेता है, कुरान मजीद वाला ईमान अपना लेता है, कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करने वाला हो जाता है, ऐसा इंसान अल्लाह तबारक व ताला इसी किताब में इरशाद फरमाते हैं, ऐसे इंसान की अल्लाह दुनिया भी बना देता है और अल्लाह उसकी आखिरत भी बना देता है। अगर कुरान मजीद को पसे पुश्त डाल दिया, हमारे अकायद हमारा ईमान कुरान वाला ना बन सका, कुरान मजीद वाले अहकामात पर हमने अमल न किया, कुरान मजीद को हमने अपनी ज़िंदगी में न ला सका, ऐसे इंसान की दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। इस आयत करीमा में अल्लाह ने दो लफ्ज़ ज़िक्र किए, एक है फजल और एक है रहमत, और अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद ये फजल का ज़रिया भी है और कुरान मजीद ये रहमत का ज़रिया भी है। या फजल से मुराद है दुनिया और रहमत से मुराद है आखिरत। माना ये होगा, ऐ मेरे पाक पैगंबर, आप इन लोगों को ये बात बता दें, ये मसला समझा दें, ये मुझ रब का पैगाम मेरे बंदों के नाम पहुंचा दें और इन्हें समझा दें। अगर कुरान मजीद से अपना ताल्लुक मजबूत बना लोगे, मैं तुम्हारी दुनिया भी बना दूंगा और मैं तुम्हारी आखिरत भी बना दूंगा। जो आदमी इस तरह कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ कायम करके अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह करीम फरमाते हैं वो इंसान जो कुरान को पसे पुश्त डालकर दुनिया की मेहनत में लग गया, दुनिया के माल दौलत इकट्ठा करने में लग गया, वो इंसान
उसके मुकाबले में कहतर है और ये इंसान बहुत बेहतर है जिसने कुरान के साथ अपना ताल्लुक कायम करके अपनी दुनिया भी बना ली और अपनी आखिरत भी बना ली। कुरान मजीद के साथ ताल्लुक का ये माना कतान नहीं है कि आप छोड़ छोड़ा कर दुनिया की सारी ज़रूरियात की मेहनत भाई इसी को आप पकड़ लें हाथ में, नहीं। कुरान मजीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, दुकान कुरान के मुताबिक करना, तजारत कुरान के मुताबिक करना, फैक्ट्रियां कुरान के मुताबिक चलाना, मजदूरी कुरान के मुताबिक करनी, लेन देन मामलात कुरान के मुताबिक करने, अपनी घरेलू ज़िंदगी, बाहर की ज़िंदगी, अपनी इज्तमाही ज़िंदगी, इनफरादी ज़िंदगी ये कुरान मजीद के मुताबिक गुजारना, ऐसे इंसान की अल्लाह दुनिया भी बना देता है आखरत भी बना देता है। यहाँ मैंने कहा दो लफ्ज़ ज़िक्र किए, एक फजल और एक रहमत। फजल से मुराद दुनिया और रहमत से मुराद आखरत। इसके एक छोटी सी दलील, जब इंसान मस्जिद में आता है, दुकान अपना दफ्तर अपनी फैक्ट्री अपनी ज़मीन अपने दुनिया की मशगूलियत को छोड़कर वो मस्जिद में आता है और दाखिल होते वक्त एक दुआ मांगी जाती है, अल्लाहुम्मफ्तहली अबवाब रहमतिक, अल्लाह मैं दुनिया की ज़रूरियात की मेहनत से फारग होकर अब अरे आखिरत की मेहनत के लिए आया हूँ, और उसके लिए लफ्ज़ रहमत का इस्तेमाल हुआ। अब मस्जिद में आकर इंसान ने जो दुआ मांग रहा है, अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल, वो रहमत मेरे लिए और उसकी तैयारी आसान कर दे, तो यहाँ इंसान आखिरत की तैयारी के लिए मस्जिद में आता है और जब फारग होकर निकलता है फिर एक दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिक, अल्लाह मैं तो इसे तेरा फजल मांगता हूँ। अब वो अपनी दुनिया की ज़रूरियात की मेहनत के लिए जा रहा है और उसके लिए फजल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो मेरे रब ने कहा अगर तुम आखिरत को बेहतर बनाने के भी तालिब हो और दुनिया भी बेहतर बनाने के तालिब हो तो कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बना लो, और अगर कुरान के साथ ये ताल्लुक मजबूत न हो सका फिर दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं मन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुंतु बसीरा काल कज़ालिका तत्का यातुना फनसीता वकज़ालिकल यौम तुंसा। अल्लाह फरमाते हैं जो आदमी कुरान से अपना मुंह मोड़ लेता है, अपनी फिक्र कुरान वाली नहीं बनाता, अपनी ज़िंदगी को कुरान वाली नहीं बनाता, कुरान मजीद को पसे पुष्ट डाल दिया और उसने बेइल्तिफाती कर ली, एराज कर लिया, रुख मोड़ लिया, अकायद कुरान वाले न बन सके, कुरानी अहकामात पर अमल न हो सका, हलाल हराम की तमीज़ न कर सका, सच और झूठ की तमीज़ न कर सका, हक और बातिल की कुरान का इलम हासिल करके तमीज़ हासिल न कर सका, अल्लाह फरमाते हैं हम उसकी दुनिया की ज़िंदगी की ज़रूरियात और उसकी मईशत को हम तंग कर देते हैं और मुश्किल कर देते हैं। खानी तो दो रोटियाँ ही हैं, मगर झूठ फ्रॉड झूठी कस्में खयानत धोखेबाजियाँ झूठ में झूठ इतना मुश्किल हो जाएगा ये काम कि जिसकी हद ही कोई, मुश्किलात में उसे डाल दिया जाता है। वही दो रोटियां और वही ज़रूरियात ज़िंदगी उसके लिए मुश्किल बना दी जाती है। अल्लाह फरमाते
फिर ऐसा इंसान उलझ जाता है कि उसको न मस्जिद की फिक्र होती है, न कुरान की फिक्र होती है, न जिक्र अजकार की फिक्र होती है, हलाल हराम की तरफ फिर इंसान की तवज्जो जाती ही नहीं। फिर इंसान ऐसा परेशानियों में और मुश्किलात में उलझ जाता है कि उसको किसी चीज़ की फिक्र नहीं रहती। और आखिरत भी तो अल्लाह उसे अंधा करके खड़ा करेगा और वो कहेगा बारी ताला में तो देखने वाला था, मेरी बीनाई थी, आज मुझे क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या मामला हो गया। अल्लाह फरमाते हैं कजा लेकर अतत का आ गया तो ना, तेरे पास हमारी कुरान की आयतें आई थी, फनसीता, तूने तो उन्हें बुला दिया, ना तेरा ईमान कुरानी आयात वाला बन सका, ना तुझे कुरानी अहकामात पर अमल का मौका, तूने आज से गंवा दिया, ज़ाया कर दिया, और तेरी उस तरह तवज्जो ही कोई नहीं हुई, तूने भी तो हमारे कुरान को भुला ही रखा। वकज़ालिका अल्यौम तुन्सा, आज तुझे अल्लाह की रहमत से ऐसे ही महरूम कर दिया गया और दूर कर दिया गया। तो ये कुरान मजीद जो आप हजरात ने सुना, हाफिज़ अनीक खान साहब ने सुनाया, इस कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाया जाए, कुरान मजीद की तिलावत भी रोज़ाना की जाए और कुरान मजीद का इलम हासिल करके अपने अकायद और अपने आमाल वो कुरान वाले बनाए जाएं, तो फिर अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बना देगा और हमारी आखिरत भी बना देगा।